2.5 लाख लोग तो उस शराब से मृत होते हैं हर साल, जो शराब आज खोल कर रखी है लॉकडाउन में भी। लेकिन हमारे देश में लॉकडाउन जाहिर करने के पहले क्या सोचना था, क्या बताना था, कितने दिन का समय देना था, इसमें बहुत गड़बड़ी हुई है। एक बैड गवर्नेंस के कदम के रूप में ये लॉकडाउन घोषित नहीं हुआ, केवल आगे बढ़ाते गए। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर आज हमारे साथ जुड़ गई हैं, महाराष्ट्र में या फिर जिस भी लोकेशन में अभी हैं वो बताएंगी। मेधा जी स्वागत है आपका, अभी किस लोकेशन पर हैं आप? महाराष्ट्र में हूँ, धुलिया जिले में हूँ। ये धुलिया शहर का ऐसी जगह है जहाँ सूरत से, मुंबई से, पुणे से, औरंगाबाद से, सब दूर से आए हुए हजारों हजारों श्रमिक यहाँ पधार कर फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ एक होटल वाले जो बहुत पुराने व्यवसायिक है, उन्होंने अपना पूरी जेब खोल कर यहाँ बड़ा आशियाना बनाया, शामियाना बनाया हमारे कहने पर, और खाना खिलाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ के पैदल चल के आए ही नहीं तो गाड़ियों में गुजर रहे ऐसे श्रमिक भी खाना खा रहे हैं। और धुलिया जिले में सरकार के अधिकारियों के साथ बसेस चलाने में, उनपे लोगों को बिठाने में, हर चीज के, अभी डॉक्टर का दवाखाना भी खुल गया, एक एक चीज करने में हमारे कार्यकर्ताओं की टीम लगी हुई है। जी, आप ग्राउंड पर एक्टिव हैं, ग्राउंड पर लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, क्या लगता है आपको कोरोना टाइम्स में जो लॉकडाउन 3.0 चल रहा है, 17 मई तक चलेगा, कितना ये कारगर साबित हो रहा है और सरकारों से कितनी मदद पहुंच रही है? लॉकडाउन के आधार है कोरोना का भय जी, जिन्हें मृत्यु का भय नहीं है वो तो डरते नहीं है। लेकिन दूसरी बाजू ये भी है कि इस देश में कितने मृत्यु होते हैं, 2.5 लाख लोग तो उस शराब से मृत होते हैं हर साल, जो शराब आज खोल कर रखी है लॉकडाउन में भी। टीबी से हजारों लोग रोज मरते हैं, कुपोषित बालकें मरती है 3,000 प्रतिदिन, किसान आत्महत्या करते हैं 10 हर रोज। अब कोरोना का इतना भय लेना सही भी है और कुछ अतिशयोक्ति भी हो रही है। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है नीचे से ऊपर तक, इसीलिए तो डर है, क्योंकि टेस्ट से लेकर ट्रीटमेंट तक हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुआ है। एक ऐसा विषाणु कि जो जहरीला साबित होगा और वो बहुत ही एपिडेमिक जैसा जल्द से फैलेगा, और उसका फैलने का आधार कोई बहुत बड़ा संसर्ग भी नहीं होना जरूरी होगा, ऐसे से भय तो संभव है, क्योंकि दूसरे देशों में भी ऐसा भय फैला है। लेकिन हमारे देश में लॉकडाउन जाहिर करने के पहले क्या सोचना था, क्या बताना था, कितने दिन का समय देना था, इसमें बहुत गड़बड़ी हुई है। और हमारा देश जिन असंगठित कहते हैं, असुरक्षित रखते हैं, ऐसे श्रमिकों के आधार पर चलता है, उनका कभी हिसाब नहीं लगाया गया, कहीं जायजा नहीं लिया गया, कहीं रिकॉर्ड नहीं बनाया गया, उनके श्रम का कभी मूल्य नहीं दिया गया। ऐसे श्रमिकों पर क्या असर होगा ये न समझते हुए एक बैड गवर्नेंस के कदम के रूप में ये लॉकडाउन घोषित नहीं हुआ, केवल आगे बढ़ाते गए। अब कहीं एक मृत्यु होती है तो पूरा डर फैल जाता है और हर कोई अपना मुंह झाक कर अभिव्यक्ति को रोक कर बैठा हुआ है, ये हमें तो सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जी मेधा जी, जिस हिसाब से महाराष्ट्र में रेलवे लाइन पर इतने सारे मजदूरों की जान चली गई, एक फैमिली जो है उसकी मौत हो गई, कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं, आप जो एक गड़बड़ की बात कर रही हैं, लॉकडाउन के कारण एक गड़बड़ हुई, क्या ये सब उसी का नतीजा है जो इस तरीके से मजदूर वर्ग भुगत रहा है? बिल्कुल उसी का नतीजा है, इन मजदूरों के प्रति तो असंवेदना है। कानून तो है स्थलांतरित मजदूर कानून 1979 का, उसका कभी पालन नहीं हुआ, कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ उन मालिकों का, ठेकेदारों का, जो इनको काम पे लगाते हैं। और यही तो है जो उत्पादन करते हैं, वितरण करते हैं, शहर बनाते हैं, सुंदर करते हैं, चलाते हैं,
ऐसी स्थिति में आज जब ये मालूम पड़ते ही जो होना था वो आज तक नहीं हुआ, उनके घर वापसी की योजना या वो जहां है वहां सब जगह पर्याप्त खाद्य सामग्री पहुंचना, उनके मालिकों ठेकेदारों से उनका पूरा वेतन, न केवल जितने दिन काम किया उतना लेकिन लॉकडाउन के समय का भी, वो कार्यकाल का भी देना, इसके प्रति जो एक जोर लगाना चाहिए था शासन ने अपने कर्तव्य के रूप में और श्रमिकों के जीने के अधिकार के रूप में, वो नहीं लगाया गया। पूरा ध्यान और ही चीजों पर लगाया गया, पुलिस का डंडा जीना नहीं दे सकता है। और ये जो मौत हो गई रेलवे के पास वो इसी का नतीजा है, क्योंकि उनकी परिवहन की व्यवस्था मुफ्त तो छोड़ो पर व्यवस्था ही नहीं हुई और रेल बंद की गई। कभी खोलने की बात ये जो रेल चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन की बात हुई, फिर किराए की बात हुई, फिर किराया कौन देगा, मजदूर देंगे, फिर केंद्र सरकार ने कहा कि 85% हम देंगे, राज्य सरकारें 15%, क्या इससे कुछ मदद मिली है? जहां ग्राउंड पे आप लोगों को मिल रही हैं, इनकी खाने की, इनकी आने जाने की व्यवस्था कर रही है, क्या लग रहा है आप? अभी तो सरकार को कुछ आंखें खोलनी पड़ी है, तो रेल भी खोलनी पड़ी है। अभी कल से रेल चालू करने की बात है, लेकिन आज अभी इस क्षण तक मैं जिलाधिकारी से बात कर रही हूँ, मैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से बात कर रही हूँ, किसी को भी अंदाजा नहीं है कि कौन सी ट्रेन चलेगी। लोग कह रहे राजधानी चलेगी ऐसा लग रहा है। तो जो लोगों का एक भरोसा था सरकार पर वो टूट गया है, इसलिए वो रेल के लिए रुकने के बदले खुद के पांव पर भरोसा करते हुए 2,000 किलोमीटर चलने की तैयारी दिखा रहे हैं और उसमें मौतें हो रही है। कल हो गई मौत, और महाराष्ट्र में कम से कम अभी एसटी महामंडल ने अपनी परिवहन की बसेस चालू कर दी, लेकिन उसमें भी आयोजन नहीं था, फिर हमको हस्तक्षेप करना पड़ा। हमारे उपवास में महाराष्ट्र सरकार ने जो प्रतिसाद दिया, रिस्पांस दिया, उसका हमने स्वागत किया। हमने कहा ये है कि प्रत्येक राज्य को ऐसी स्थिति में ये जरूरी था और जरूरी है कि वो संगठनों और संस्थाओं से समन्वय बनाए, पर उनका आपस के राज्य राज्य में भी समन्वय नहीं है, इसलिए कौन कहां बस छोड़ेगा, तो दूसरे बॉर्डर के उस पार के राज्य का क्या कोई परिवहन इनको उठाएगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है। इसलिए ट्रक वाले बहुत पैसा ले रहे हैं, कहीं बीच में छोड़ रहे हैं, कहीं कुछ पहुंचा भी रहे हैं सही साथ। ऐसी जो अंधाधुंध चली है रेल व्यवस्था में भी और बस व्यवस्था में भी, इसका कारण क्या है? बैड गवर्नेंस। और बैड गवर्नेंस का कारण क्या है? जिनके प्रति संवेदना होती है, कोटा में फंसे हुए विद्यार्थियों के प्रति, विदेशियों के प्रति जिनको हवाई जहाज छोड़े जाते हैं, जिनके प्रति संवेदना नहीं होती है वहां नियोजन नहीं होता है, कोई चिंता नहीं होती है, कोई कैपेसिटी नहीं दिखाई जाती है। हम इस दर्द से बहुत ही भुगत रहे हैं, खुद ही भुक्तभोगी मान रहे हैं खुद को, लेकिन बात है श्रमिकों की, 95% श्रमिकों की, और जो बेरोजगार हो रहे हैं, भूखमरी हो रहे हैं, उनको राशन ही नहीं, राहत ही नहीं, आगे रोजगार भी देने की, मुझे लगता है कि ये अर्थव्यवस्था को बदलने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं, ये कोरोना का संदेश है। जी मेधा जी, आप कैसे, मतलब ग्राउंड पर एक्टिव होकर आप कैसे इन सब श्रमिकों के हकों की बात कर रही हैं, कैसे आप इन तक मदद पहुंचा रही हैं इस दौरान? पहले तो जब गुजरात में अटके हुए आदिवासियों की पूरी हमने जानकारी निकालना शुरू किया तो 500 समूह मिल गए, जो महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के, बड़वानी के, धार के, अलीराजपुर के, और इन श्रमिकों को हमने ढूंढ निकाला। जब किसी का मोबाइल एक का मिला तो उसके आधार पर, तो किसानों के मोबाइल नंबर्स मिले, उनका संपर्क किया, कुछ थोड़े से किसान संवेदनशील दिखाई दिए, बाकी सब किसान का कहना था कि वो तो ठीक ही है, खेत में रह रहे हैं धूप में बाल बच्चों के साथ। किसी किन थोड़े किसानों ने जरा सा छाव की तो उनको बड़ी बात लगती थी, थोड़ा सा गेहूं चावल दिया तो बड़ी बात लगती थी, जबकि उनकी खेत की उपज और हमारी अन्न सुरक्षा, इन मजदूरों के बिना हम नहीं बचा सकते हैं। तो हमने एक एक को फोन करके गुजरात सरकार का भी बहुत पीछा किया, पर गुजरात सरकार के नाक पर जू नहीं रेंगे।
उन्होंने एक भी जगह पे छोटा सा किट पहुंचाने के अलावा वाहन व्यवस्था की मंजूरी दी। फिर आखिर निजी वाहन तैयार हुए तो उन्होंने मंजूरी दी कि पैसा लेकर निकल जाए, और उन्होंने अपना शेड्यूल जाहिर किया 28 रुपया प्रति किलोमीटर। तो एक एक मजदूर जिनकी मजदूरी खत्म हो गई थी, दुकान पर जाकर खाना खा रहे थे, ला रहे थे, तो उनकी बची खुची मंजूरी मजदूरी भी करीबन खत्म करके खाली हाथ अपने बाल बच्चों के पास, अपने बूढ़े माँ बाप के पास वो चले गए। कितना दुखद बात है। मध्य प्रदेश ने थोड़ा सा अपने बॉर्डर के अंदर थोड़ी बसेस लगाई, उसकी जाहिरात बहुत हुई, लेकिन हमारे कितने सारे आदिवासी एक एक तहसील के सैकड़ों सैकड़ों और गुजरात के एक एक तहसील में फंसे हुए सैकड़ों सैकड़ों, ये सुरेंद्र नगर से, आनंद से, खेड़ा से, जामनगर से, अमरेली से, जूनागढ़ से, एक एक जगह से, अहमदाबाद के एक एक तहसील से जो वापस लौटे हैं, मुझे नहीं लगता है कि अब वो गुजरात जा पाएंगे, और उन्होंने जाना भी नहीं चाहिए। किसानों को बनाने दो ओनर कल्टीवेटर्स, शहरवासियों को खुद का काम खुद करने दो, और ये सबको समझने दो कि स्वावलंबी अर्थव्यवस्था क्या होती है, और आज की अर्थव्यवस्था किनके दम पर चल रही है, जिनका आज दम घूट रहा है। तो हम लोगों ने परिवहन में भी हस्तक्षेप किया, महाराष्ट्र से घोषणा हुई, उपवास के दौरान हमको प्रतिसाद दिया, घोषणा हुई कि हजारों बसेस छोड़ रहे हैं, हजारों की संख्या अभी तक तो नहीं सामने आई, पर एक एक डेपो में सैकड़ों बसेस पड़ी थी। ये दुलिया डेपो में 160 जब वो निकलने लगी, जब हमने बातचीत की अधिकारियों के साथ, और महाराष्ट्र सरकार ने मंजूर किया कि हमारा जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय है, उसके साथ योजना बनाना और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो हमने जिला वाइज समन्वयक, उनके साथ कार्यकर्ताओं की टीम, विभागीय समन्वयक और हमारी 5 लोगों की राज्य समन्वय समिति बनाई, और आज हम 24/7 एक प्रकार से उपलब्ध रहे हैं। इसके लिए सर्वेक्षण करना भी साथ साथ, क्योंकि वेतन न दिए हुए मालिकों का भी सब कुछ फॉलो कर रही है। जैसे आप थोड़ा राजनीति में भी आपने एक्टिव होने की कोशिश की थी, क्या लगता है कि अगर अभी सरकारों का हिस्सा होती तो हौसले और ज्यादा बुलंद होते? मुझे नहीं लगता है। सरकारी एक प्रकार से अदाकारी होती है, लेकिन बहुत सारे पर्दे गिरते रहते हैं उनके ऊपर। कोई संवेदनशील अधिकारी होंगे भी तो वो भी परेशान रहते हैं, कभी कभी व्यवस्था से टकराते हैं, निर्णय लेते लेते दिक्कत होती है। तो कुछ व्यवस्था में अंदर होने चाहिए जिनके कारण भी कार्य आगे बढ़ता है, पर हमारे जैसे ने व्यवस्था के बाहर भी रहना चाहिए और राजनीति के पार भी। दलीय राजनीति तो दलदल में फंसी है। अब देखिए ना, इतने बड़े संकट में, जिसको कि अंतरराष्ट्रीय संकट कहा जा रहा है, ये प्राकृतिक आपदा हो सकती है। अब कौन सा कारण था कि ये विषाणु बाहर आ गए, ये वायरस फैल गया और कहां से, इसकी तो अभी भी चर्चा चल रही है, जांच का निष्कर्ष बाकी है। लेकिन समझो ये प्राकृतिक आपदा है, तो इसमें मानवीय क्या राजकीय राजनीतिक आपदा भी जुड़ गई है। हम देख रहे हैं ना, एमपी और यूपी के बीच का कोलैबोरेशन, समन्वय कितना है। कभी बॉर्डर बंद होती है, कभी खुल जाती है। हजारों लोग एमपी के बाजू बॉर्डर पर झांसी में या और दतिया में या और प्रयागराज में एकत्रित होते हैं, उनको खाना खिलाने का जिम्मा मध्य प्रदेश को उठाना पड़ता है, इसलिए वो भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन एक फोन कॉल पर दोनों सीएम बात करके जो छुड़वा सकते थे, वो कितनी सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस अधिकारियों के बीच होते हुए भी क्यों नहीं छुड़वा सकते। कहीं ना कहीं राजनीति भी बीच में आती है। अब रेल मंत्रालय ने मालगाड़ी चलाई, 17 जाने चली गई, हमारे तो दिल पर चले वो कहिए। लेकिन आज जब ऐसी स्थिति हो गई है, तो रेल मंत्रालय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जब सबसे पहला ऐलान किया था, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग हैं, उत्तर प्रदेश के ही नहीं, बिहार के, झारखंड के, उड़ीसा के, ऊना के, मराठवाड़ा के, विदर्भ के, तो उन्होंने कहा कि हमें रेल चलाने दीजिए थोड़े से दिन, और ये लोग जो गांव में जाएंगे वहीं सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षित रखेंगे। जो आज 8/10 के टीन शेड में है, वो क्या सुरक्षा पाएंगे?
भिवंडी में, कल्याण में जहाँ काम कर रहे हैं, और वो कैसे कोरोना को प्रतिबंधन करेंगे, तो उस समय भी रेल मंत्रालय ने नहीं सुना। अभी कल से जो गाड़ियां चलेगी कह रहे हैं उसका शेड्यूल अभी तक महाराष्ट्र के हाथ में नहीं, तो कैसे ऑनलाइन कौन काम कर सकता है भाई? ये डिजिटलाइजेशन किसके पक्ष में है? और ऑनलाइन फिर भी कई श्रमिकों ने किया तो वो कोई काम नहीं आया। तो इसीलिए ये नियोजन में बहुत बड़ी कमी है, और उसके एक नहीं दो चार कारण है। हमारे जैसे ने एक एक कारण को पकड़ पकड़ कर बदलना जरूरी है। लेकिन मेधा जी, 60s के दौर में आप ग्राउंड पर एक्टिव रहकर इतना काम कैसे कर लेती हैं? मतलब कहां से लाती हैं इतनी शक्ति? मुझे लगता है कि उम्र तो उम्र होती है जी। लेकिन आखिर अपनी उम्र जब कम बचती है तब ऊर्जा ज्यादा बढ़ती है, ये सोच करके इतनी थोड़ी सी जिंदगी है, पर हम कहां रोक पा रहे हैं? अभी भी हम श्रमिकों को चलने से पूर्ण रूप से कहां रोक पा रहे हैं? हमारे सामने जब बाल बच्चों को लेकर श्रमिक चल रहे हैं तो हमें तो हार लगती है, कम या अधिक। हम जीत पर ज्यादा ये नहीं ध्यान देते, एक बार जो हो गया उनसे वो हो गया, लेकिन जो नहीं हुआ उसी से परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे, तब अपने को भी बैठने का बैठना आसान नहीं होता है, और खड़े रहना ही पड़ता है और रह पाते हैं। मुझे लगता है संवेदना ही वेदना से साथ जुड़ती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेधा जी समय देने के लिए। और जब आप ऐसे समय में एक बात बताऊं कि आपने अभी चर्चा और बहस, हर मीडिया ने जो संवेदनशील है आपके जैसा उसने बहस चलानी चाहिए विकास की अवधारणा पर। आखिर रोजगार कहाँ से आएगा? आज मुझे कुछ फंसे हुए श्रमिक फोन करके ये भी पूछ रहे हैं कि हम समझो वापस जाएं तो भी वहां हम क्या करेंगे? तो रोजगार मूलक अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, रोजगार मूलक खेती, हार्वेस्टर्स वाले नहीं, केवल सिंचाई के आधार पर नहीं, कैसे चलेगी? हर चीज में तकनीक की चुनौती होगी, और लोगों को भी ये समझाना पड़ेगा कि पैसा और बाजार नहीं, जरूरत पूर्ति और रोजगार निर्माण और प्राकृतिक संतुलन, इस आधार पर जब अर्थव्यवस्था चलेगी तब विषमता गैर बराबरी मिटेगी, अन्याय कम होगा, अत्याचार रहे बचेगा, ये सब होना जरूरी है। आप उस पर भी बहस कभी जरूर चलाइए। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बातें आप कर रही हैं वो बातें जरूर चरितार्थ होंगी जब आप जैसे सोशल वर्कर ग्राउंड पर ऐसे ही काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।